30 years on from the Bhopal disaster, an international film opens on Friday, dramatizing the story of how an American pesticide factory in India accidentally released cyanide gas into the atmosphere, killing thousands of people and leaving many more sick or disabled. Well, ये इंडिया के लिए एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक है. 30 साल बाद भी हम इसके बारे में सोचते हैं. सो अक्सर फिल्में अगर टॉपिक पे सही बनती हैं तो ऐसे इश्यूज पब्लिक के जहन में वापस आ सकता है. आई एम होपिंग इस फिल्म के साथ वही होता है. यही है कि हम लोगों ने एक बहुत सेंसिटिव इशू को जो 30 साल से जिसका जस्टिस नहीं हुआ है उस चीज़ को लेकर फिल्म बनाई है और काफ़ी सेंसिटिविटी के साथ बनाई है. एक चीज़ को इमोशनली महसूस करके बनाई है और हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे ताकि उनको पता चले कि ऐसे में रिस्क क्या होती हैं ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो. लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि एक हॉलीवुड की टीम ने गांधी फिल्म के बाद में एक ऐसी भारतीय पृष्ठभूमि की फिल्म को चुना जिसका लेना देना पूरी दुनिया से है और एक ऐसी इंडियन कार्बाइड के डिजास्टर से है. तो ये फिल्म के पीछे था कि इसमें लीगल और पॉलिटिकल तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुके थे. तो मैंने अपने डायरेक्टर से पूछा कि मैं कोई भी कंट्रोवर्सी फिल्म की हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, आप बनाना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं एक डिजास्टर बेस्ड स्टोरी बनाना चाहता हूँ. जैसे एक टाइटैनिक बनी थी वैसे ही मैं चाहता हूँ कि एक देसी टाइटैनिक ऐसी हो कि पति पत्नी मजदूर हैं और उनकी नज़र के थ्रू एक फिल्म एक कैसे हुआ यूनियन कार्बाइड में इतना बड़ा डिजास्टर जिसमें एक नाइट मतलब हजारों हजार लोगों को पी गई और लोग घुट घुट के मतलब मर गए और जो जी गए वो आज तक घुट रहे हैं. तो जब उस तो ये फिल्म जब उन्होंने उसके बारे में बोला तो ये उसी दिन फिल्म हमारे लिए एक स्टडी बन गई. उसी दिन से ये फिल्म हमारे लिए एक रिसर्च बन गई. Powered by NNIS.